अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप सबकी वेकेशंस अच्छी गुज़र रही होंगी। तो आज मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी और यहाँ पे मैं अपने भाई के लिए नाश्ता बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा भाई जो है वो आया हुआ है छुट्टियों में, और पराठा मैंने बना लिया था साथ। तो बस यहाँ पर ऑमलेट बन रहा है। ऑमलेट में मैंने कॉर्नस डाले हैं, सॉसेजेस डाले हैं, प्याज है, टमाटर है और थोड़ा सा धनिया डाला है, और नमक मिर्च डाल के बस मैंने इसे फ्राइंग पैन में डाल दिया। ये बहुत मज़ेदार बनता है सॉसेजेस और कॉर्नस वाला जो ऑमलेट है। तो यहाँ पर बस ये रेडी हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी चाय बना रही हूँ भाई के लिए, सिर्फ ये उसको पसंद है और कोई नहीं पीता ये। और इसके बाद जो है मैंने और मेरी भतीजी ने सूप पड़ा हुआ था वो ले लिया नाश्ते में। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि आज मेरे मामू मामी ने आना था हमारी तरफ शाम में। तो ये किचन के बाहर मम्मी ने थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई है, गार्डन सा बनाया हुआ है। किचन में जाके अब मैंने चेक किया क्या चीज़ें पड़ी हैं क्या नहीं पड़ी हुई, कुछ बाज़ार से मंगवाई। और फिर मैंने सबसे पहले सेवैयाँ बना के रख ली, दूध सेवैयाँ जो शीर खोरमा जिसे कहते हैं वो मैं बना रही हूँ यहाँ पर। बस ऑयल में हल्की से इलायचियाँ डाल के भून लिया उसको और साथ इसमें सेवैयाँ डाल दी। सेवैयाँ डाल के बस हल्का सा मैंने भुना। ये जो बेक पार्लर की सेवैयाँ हैं मोटी वाली, ये वो वाली सेवैयाँ बड़ी मज़ेदार बनती हैं। इसको मैंने भून लिया है हल्का सा, हाफ पैकेट मैंने डाला था जो बेक पार्लर का मिलता है सेवैयों का, हाफ पैकेट मैंने डाल लिया और उसको 2-3 चम्मच ऑयल और इलायची के साथ मैं भून रही हूँ यहाँ पर। तो तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको भुना और जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लग गई तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया ताकि जो सेवैयाँ हैं वो गल जाएं। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ये सेवैयाँ गल गई थी, ये बड़ी जल्दी गल जाती हैं। अब इसके अंदर मैंने ऑलपर्स का 1 लीटर मिल्क डाल दिया था। मैं यूजली स्वीडिश ऑलपर्स में बनाती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने दूध डाल दिया था, लेकिन जब मैंने पकाना शुरू किया तो वो थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 1/2 kg फिर और ऐड किया था इसके अंदर। तो हाफ जो सेवैयों का पैकेट है उसमें 1.5 किलो दूध था। तो सेवैयाँ रेडी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं कबाबों वाला सालन बना रही थी। कुछ खाना का हमारा कल एक दिन पहले का भी पड़ा हुआ था, बिरयानी वगैरह, तो साथ मैंने बस कबाबों का सालन बना लिया। मसाला बना के मैंने इसमें सीख कबाब जो है वो डाल दिए। ये सीख कबाब जो हैं ये बिग बर्ड के हैं, क्योंकि टाइम नहीं था इतना कि मैं खुद से सीख कबाब बनाऊं, अदरवाइज़ घर में भी बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन ये मैंने बस बाज़ार के लेके मसाला बना के उसके अंदर डाल दिया था। तो ये उसके साथ यहाँ पर मैं लेग पीसेस फ्राई कर रही हूँ, ये मैंने रखे हुए थे मसाला लगा के। तो बस ये यहाँ पर गर्म ऑयल में डाल के 10 से 15 मिनट इनको लगते हैं फ्राइंग में। तो यहाँ पर मैं ये फ्राई कर रही हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। बस ये है, आप मसाला लगा के रख दें तो अचानक कोई गेस्ट आए तो आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बस लेग पीसेस रेडी हो गए हैं, कलर बड़ा प्यारा गोल्डन ब्राउन सा आ गया। तो यहाँ पर बस मैं बना के निकालती जा रही थी, और मैंने बस छोटी कढ़ाई में इसलिए डाला था कि बड़ी में ना ऑयल बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। फिर लेग पीसेस फ्राई करने के बाद मैंने साथ थोड़े से फ्राइज़ कर दिए कि चले प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी रोस्ट की, और वैसे भी बच्चे शौक से खाते हैं फ्राइज़। तो बस फ्राइज़ पे मैंने कुछ लगाया नहीं था ऊपर, सिंपली मैंने बस आलू काट के तो उनको फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने ऊपर हल्का सा नमक और चाट मसाला डाल दिया था, और वो रोस्ट के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। बस इसके साथ ही मीनवाइल मैंने दही भल्ले भी तैयार कर लिए थे। तो अब ये सारी चीज़ें रेडी हो गई, बिरयानी पहले से पड़ी हुई थी, साथ मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये टेबल मैंने सेट कर दिया है सारा, और यहाँ पे केक जो है मामू लेकर आए थे, तो केक पेठे का हलवा और सेवैयाँ मीठे में थी, साथ लेग पीसेस बिरयानी, वाइट चिकन था, ये कबाब वाली ग्रेवी थी, और इसके साथ पिज़्ज़ा और दही भल्ले। तो ये सारी चीज़ें जो थी फिर हमने सर्व कर दी, और उसके बाद फिर चाय बनाई एंड पे। सब जब सबने खा लिया तो फिर चाय बना के तो फिर वो मैंने सबको सर्व की। तो चाय के साथ मैंने केक भी रख दिया था क्योंकि केक पहले किसी ने नहीं खाया, चाय सब कह रहे थे कि चाय के साथ ही केक खाएंगे। तो बस फिर 10 बज गए थे तकरीबन हमें, उसके बाद मेरी भतीजी कहती कि फूफो बाहर वॉक करने चलते हैं। तो रात को 10 बजे फिर हम बाहर निकल आए। बहुत प्यारा मौसम था इस वक्त, सर्दी बहुत ज़्यादा थी लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था वॉक करते हुए। कुछ हमने ग्रॉसरी भी करनी थी, ब्रेड वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, अंडे ख़त्म हुए हुए थे, तो हमने कहा चलो वॉक करते करते जाते हैं
और साथ वो भी ले आते हैं। और हमारे घर के बिल्कुल पास ही जो स्टोर है वो है, और ये देखिए हम दोनों बड़े मज़े से जा रहे हैं। अब स्टोर पे हम आ गए हैं और आके बस जो है हमने बास्केट छोटी पकड़ ली थी और यहाँ से मैंने चाय की पत्ती, ब्रेड, अंडे वगैरह जो हैं वो ले लिए थे। और ये जो छोटी सी मेरी गुड़िया है, मेरी भतीजी, ये बस अपनी शॉपिंग कर रही है यहाँ पर, अब बिस्किट्स और चिप्स वगैरह उठा रही है। तो ये देखें अभी ये बस इसकी सिलेक्शंस हो रही हैं कि मैंने क्या लेना है। यहाँ पे इसने काफ़ी सारे बिस्किट और चिप्स वगैरह चीज़ें ले ली थी। तो अभी बस हम ये काउंटर पे आ गए हैं, बिल करवा रहे हैं। जब मैं बिल करवा रही थी तो उसने कहा मैंने माइलो भी लेना है, तो बाहर ये फिर माइलो लेने आ गई, माइलो भी लिया और बाकी चिप्स बिस्किट्स और बाकी जो घर की ग्रॉसरी थी वो भी ले ली। और यहाँ पे बस हम बिल करवा के निकले। तो सबसे पहले हमने ये घर में चीज़ें छोड़ दी थी सारी, क्योंकि वो कह रही थी कि हमने वॉक करने जाना है, तो फिर वॉक करते हुए तो मुश्किल हो जाना था इतना सामान उठाना। तो फिर हमने ये घर छोड़ दी और बस चिप्स उसने पकड़ लिए थे स्टोर से कि जी साथ वॉक करते करते चिप्स खाने हैं, तो दोबारा से ये चिप्स लिए और बस ये चिप्स खाते खाते हम वॉक करने निकल गए। और तकरीबन एक घंटा हमने वॉक की और बस फिर 11:30 तक हम घर चले गए थे। और फिर भी इतनी थकावट हुई थी, बस जाते साथ ही हम सब सो गए। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।